देखा। सॉरी आई शुड हैव गिवन यू डन इट आफ्टर यू। बहुत बढ़िया काम है इंफ्रारेड में, इससे अच्छा काम मैंने हिंदुस्तान में किसी का देखा नहीं। Enjoy this show. It's a very different view of Ladakh using infrared. What gets me here is Ladakh. It's beautiful. Wearing it for the first time in India. I never thought about monochrome photography in Ladakh because it's so colorful at times, the sky. But this gives a new definition to Ladakh landscape. Amazing. Hats off to the photographer. It's like already majestic in itself, and when you see these photographs, it appears like far more majestic. So I'm sure anybody who's never been to Ladakh would be hitting it this summer if they come across these photos. When I have seen the book on Delhi, this is a very good work. All the pictures here are very, very, very good. I'm so much impressed with the quality of the pictures, like the composition of the pictures. They are extremely beautiful pictures. I'm going to see with the long opening time of the lens, the movements of the clouds and the leaves. So it's a very nice pictures. Very nice pictures. Beautiful. Very special. All of you love to be able to. I don't want to go home because I can get tired.
what? Elephant shoots karne wala. For us is. What do you do there? For us is. What do you do there? कई फोटोग्राफर जो है ना अख्तर साहब के साथ चलते हुए पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह यह कि आपका हर साल जो है वो हिमालय जाना और लद्दाख जाना और ले जाना और वहाँ की तस्वीरें खींचना, और ये जो आज मैं तस्वीर देख रहा हूँ इनका तो मैं इतनी दूर से आया सिर्फ ये देखने के लिए कि आज मैं क्या देखने जाऊँगा। और मुझे मेरी आँखों के लिए एक ट्रीट है कि अख्तर साहब की एक जो गैलरी का जो कब्जा है आज उनकी तस्वीरों से, उसका मज़ा अपना आ रहा है। और जो डिटेलिंग है ब्लैक एंड वाइट में, और जो इनका जो काम पहले भी मैंने देखा और कलर में था, इस बार ब्लैक एंड वाइट में, तो एक देखने का आनंद जो है ना, मुझे लगता है कि मैं जो है मैंने गलती नहीं की आज का दिन चुन के कि आज बिल्कुल उन सहूलियत से आऊँगा और अख्तर साहब की तस्वीरें देखूँगा। आज इनसे मुलाकात भी होगी और इनसे जो सुनने को मिला कि कैसे ये तस्वीरें खींची हैं, तो मुझे लगता है कि कई जन्मों में भी कई फोटोग्राफर जो हैं वो इतनी बार जो है हिमालय पर्वत की सैर नहीं कर सकते और जाके वहाँ पे तस्वीर लेना, उनको उतार के ले आना। मेरा तो मानना एक है कि जयमोहर साहब का कहना है कि अलौकिक जो हिमालय है। मैं ये कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि ईश्वर का निवास जो है वो हिमालय में है और हमें हिमालय का दर्शन करवा दिए, तो हमें लगता है कि जहाँ पे ईश्वर निवास करता है वो हेवन हुआ और हमें हेवन के दर्शन हो गए और इनके तस्वीर के जरिए हो गए। तो मेरे ख्याल से एक अलग सा ही एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला और पिछली बार भी देखने को मिला था, तो इसी का ही मज़ा है यहाँ आके देख के और कुछ देर के लिए आनंद से आँख मीच के बैठे और उसको फिर दोबारा नज़ारा लीजिए, उन सारी पिक्चरों को दोबारा अपने आँखों के सामने से देखिए। बस उसी का तो मज़ा लेने के लिए आया हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 मज़ा आया। थैंक यू सर।